अब तक आपने देखा। पढ़ो जी, मुनीम जी, मतलब लग जी आप क्या? मैं बाहर जा रहा था तो सोचा छोटे बॉय से पूछूं, कुछ चाहिए तो ना। ना, आप इसी शर्ट पहन के बाजार नहीं जा सकते। अरे तो पागल हो गए, हट। चलो पढ़ो, हो गई तेरी ख्वाहिश पूरी? हाँ, देख कर ले स्त्री। बाल बाल बच गए, अगर उन्होंने छोटे बुआ के आस्ते को देख लिया होता तो बवाल हो जाता। बुआ जी, आप पुपा जी को इसे धोखा किसे दे सकते हो? एक ये ना किया है पुपा जी ने आपके लिए, और आप किसी पराए मर्द के साथ इस लड़ा रहे हो। बस बड़ो बस। अब आगे। हाँ जी, समझ गए समझ। ठीक, राम राम जी, राम राम। नमस्कार। नमस्कार। राम राम जी, राम राम। बैठ। कहिए सरपंच जी, कैसे आना हुआ? राम राम कैलाश सिंह जी। राम राम जी, राम राम। राम राम भाभी जी। राम राम जी। संग्राम सिंह जी, इतनी रात को आप यहाँ? जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी से। दरअसल बात यह है रघुवीर जी, हम आपसे एक निवेदन करने आए। वो क्या है ना जी कि हमारा जो सरपंच का कार्यकाल है ना, वो तो अब समाप्त होने जा रहा है। अगले सरपंच के लिए लोग नामांकन कर रहे हैं, पर हमारी इच्छा रघुवीर जी ये है कि आप जो है ना वो सरपंच के लिए नामांकन करें। बात दरअसल ये है, आपके मार्गदर्शन के बगैर, आपके सुझाव के बगैर इस गांव में कोई सरपंच नहीं बन सकता। और एक बात और, आपने न तो कभी कोशिश की और न कभी इच्छा जाहिर की सरपंच बनने के लिए, पर फिर भी जो है ना, आप गांव की भलाई, समाज की भलाई कितनी करते हैं, कितना काम करते हैं उनके लिए। इसलिए हमारा सुझाव ये है जी कि गांव की भलाई के लिए आप इस बार जो है ना सरपंच के उम्मीदवार बनो जी। संग्राम जी, मैं यो पूछना चाह रही हूँ, राणा के बापू ने पंचायत का टिकट दुआ के सरपंच बनाना चाह रहे हो के? जी बिल्कुल भाभी जी, कैलाश सिंह जैसे सम्मानित और बड़े बुजुर्ग अपने गांव समाज को अपनी देख रेख में सही दिशा दे सके से, इस गांव को इनकी घनी जरूरत से। आप तो जाने ही हो जो आजकल की आधुनिक विचारधारा अपने गांव के माहौल को कैसे खराब कर रही से, और इस विचारधारा के प्रकोप को तो आप भोग ही चुके हो अपनी छोरी के ब्याह के रूप में। इसीलिए मारी इच्छा से कि कैलाश सिंह जी अपने गांव के सरपंच बने। बाबूजी, मन्ने लगता से कि आपको सरपंच बनना चाहिए। आप इस गांव को एक नई दिशा में ले जा सकते हो, एक नई सोच दे सकते हो सबने। कोमल, ये हमारा निजी फैसला से, और मैं चाहूंगा कि तू मेरे को किसी किस्म की राय ना दे तो बेहतर होगा। पर उससे भी बेहतर ये होगा कि अगर तू चुप हो जाए। बड़ो, तू जा यहां से। राम राम सरपंच। राम राम। माफ करना कोमल बेटा, मैं थारे संग ऐसा बर्ताव कभी ना करता, पर हमारे घर की सुख शांति के लिए हमारी बीच की यह दूरी जरूरी से। रघुवीर जी, आप अपना समय लीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, और बाद में फैसला हमको बता दीजिएगा। अभी तो 2 दिन है नामांकन भरने में, मुझे उम्मीद है कि आप हाँ जरूर बोलेंगे। ना ना, कोई जल्दी ना से, आप अच्छे से सोच लो, विचार लो और फिर फैसला करो। और मैंने पूरी उम्मीद से इस गांव समाज की भलाई के लिए आप सही फैसला ही लोगे। अच्छा, मैं चलो। राम राम। अरे यो देखो बुआ, एक से बड़ा एक कांड करे यो बड़ो, कभी मारे ऊपर आटा गिरा दे तो कभी मारे कपड़े फाड़ देवे। यो सब तो छोड़ो बुआ, अगर हम दोनों मिलकर आपके ब्याह की तैयारी करेंगे ना, तो करेंगे कुछ और हो कुछ और जाएगा। अगर मैं पूरब हूँ तो वो पश्चिम से, अगर मैं इधर जाने की बात करता हूँ तो वो उधर खींचती से। अरे बुआ, यहाँ तक तो हमारे ग्रह भी आपस में टकराते से, और आपके ब्याह की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी से, इसमें सब लोगों का मान सम्मान जुड़ा हुआ से, दादा दादी के वचनों की जिम्मेदारी निभानी से, और ऐसे में
बड़ों के साथ मिलकर मैं यह जिम्मेदारी अपने सिर पे ना ले सकता। हुआ, मैं आपके ब्याह की जिम्मेदारी बड़ों के साथ ना निभा रहा, इस वजह से आप नाराज तो ना होना। हुआ, मन ने पता से कि हमारा ब्याह सारी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लेके आएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे और बड़ों की वजह से ना ब्याह में कोई गड़बड़ हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं खुद को माफ ना कर पाऊंगा। देख छोरे, यो जो पति पत्नी का रिश्ता हो वे ना, यो एक अबूझ पहेली सा है। इसे जितनी समझदारी से सुलझाओ निभाओ, यो उतना ही निखरे से संवरे से। और अगर इसे निभाने में थोड़ी भी ना समझी दिखाई तो ये और दुखदाई और पेचीदा हो जाए। और अगर तू वाकई अपने रिश्ते को निखारना संवारना चाहे से तो कुछ भी हो जाए, तुझे हर पल बड़ों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा, और बड़ों को भी हर हाल में थारा साथ देना होगा। और तुम दोनों के रिश्ते में जो कुछ अभी चल रहा से ना, ये कोई नई बात ना से, ये सबके संग होवे है। बात तो बस ये से कि तुम दोनों अलग अलग किस्म के लोग, पर फिर भी एक साथ चल के ध्यान से कदम मिला के चलो तो तुम दोनों यो जीवन की डगर पे बहुत लंबा रास्ता तय कर सके हो। बुआ, अगर हम दो अलग अलग किस्म के लोग हैं तो मैं क्यों बड़ों के साथ एक ही दिशा में बढ़ूं? कर्तव्य बेटा। कर्तव्य? हाँ, सोच, अगर तू राजी ना हुआ होता तो बड़ों का ब्याह कहीं और किसी और के संग होता, पर कहीं ना कहीं थारी रजामंदी थी इसलिए बड़ों तुझसे ब्याही। और फिर ब्याह के बाद का जीवन जितना थारे लिए नया और अचरज भरा था उतना ही बड़ों के लिए भी था, लेकिन फिर भी बड़ों ने एक पत्नी होने के अपने सारे कर्तव्य निभाए। और यो तो तू भी जाने है कि इन कर्तव्यों को निभाने में उसकी मनसा पे कोई शक ना कर सके। एक पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, भाभी के रूप में, हर रूप में उसने अपने कर्तव्य बखूबी निभाए। नहीं तो तू मुझे एक भी बात ऐसी बता दे जहां तुझे ये लगे कि उसने अपने कर्तव्य को निभाने में कोताही बरती हो। सवा पांच बज गए हैं, फोन आने की वे आएगी कि आएगी कैसे नहीं? पहली बार और आखिरी बार तुझसे कुछ मांग रहा, छोड़ दियो कुश्ती। मैं बस यो कहना चाहती हूँ कि मैं आज के बाद कुश्ती ना लड़ूंगी। अगर आप वो गहने की पोटली स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगी और आपको दहेज के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने पूरा जोर लगा दिया प्रज्ञा को बचाने के लिए। आपसे विनती करती हूँ कि आज के बाद आप माँ जी से मेरे बारे में कुछ ना कहेंगे और किसी भी मामले में मेरा पक्ष ना लेंगे। बड़ों ने अपना हर कर्तव्य निभाए से लखा, पर अब यो वक्त से कि अपने पति होने का कर्तव्य का पालन करे। तो बड़ों ने इस परिवार को एकजुट रखने के लिए जो संभव हुआ वो सब किया, हर मुश्किल से अकेले टकराए, पर अक्सर यो लड़ाई लड़ते लड़ते वो बेचारी अकेले पड़ जावे से। और यो अकेलेपन में उसे थारी यानी अपने पति की जरूरत पड़े से। और तन्ने खुद कभी यो सोचा कि जब सबके लिए लड़ने के बाद खुद अकेले पड़ जाओ तो उस बेचारे इंसान को कैसा लगे? इसलिए कहे हूँ लाखा, अपनी जिम्मेदारी समझ। थारा परिवार कितने नाजुक दौर से गुजर रहा से और उसे एकजुट रखने में अकेली बड़ों ही जूझ रही से। और जब तू भी इस परिवार को एकजुट रखना चाहे से तो फिर अलग अलग होके क्यों एक ही दिशा में बढ़ रहे हो? अरे जब मंजिल एक से रास्ता एक से तो बड़ों का हाथ थाम और उस रास्ते को आसान बना, इस परिवार को एकजुट बना।
और हौसले से जल्द दोनों मिलके अपनी मंजिल पाओ। एक बेटे होने का, अच्छे पति होने का कर्तव्य निभा। सॉरी लक्की जी, हे भोलेनाथ, इतना समझाया छोरे को, आशा कर रही हूँ कि इसे हमारी बात समझ आई होगी और यू अपने कर्तव्य को समझेगा और उसे निभाने की दिशा में आगे बढ़ेगा और अपने कर्तव्य निभाते निभाते एक दिन बड़ों को भी समझने लगेगा। काठी लंबाई चौड़ाई ये सारी बातें प्यार में कोई मायने ना रखे से। थारे में ना तो कोई नाच नजाकत है और ना कोई अदा। खूबसूरती समय के साथ एक दिन ढल जावे है, लेकिन नाच नजाकत हमेशा काम आवे है। बुआ जी ने ऐसा क्यों कहा कि कदकाठी कोई मायने नहीं रखता? मुझ में ना कोई अदा से ना कोई नजाकत, कोई खास बात ना से मुझ में, इसीलिए तो लक्की जी मेरी ओर ध्यान भी ना देते। इसलिए वो मेरे साथ बुआ के ब्याह का इंतजाम भी ना करना चाहते। भाभी चाय। अरे हर भाई, हो तो कॉफी से। मैं तो कॉफी ना पीती, इस घर में तो सिर्फ प्रज्ञा कॉफी पीती है, मतलब पीती थी। एक काम कर भरपाई, कॉफी और प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीज है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा को वहां के माहौल में घुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मैं चाहती सो यो सारी चीजें उसके साथ ही रहे। पर भाभी, प्रज्ञा दीदी ने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप भर पाए। प्रज्ञा का ब्याह भी तो मेरी वजह से हुआ, उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए, इब वही मेरा कर्तव्य से। तू जा सामान बांध दे। जी। प्रकृति, मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी शादी पक्की हो गई है। अगर आप किसी और के हुए तो मैं जान दे दूंगा अपनी। आप मुझसे हर बार एक ही बात पूछती थी, क्या मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मुझसे शादी करोगे या नहीं। आज मैं अपनी छाती चौड़ी करके बोल सकता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी जी, आप कहाँ चले गए? कहाँ हमने जीवन भर साथ रहने के बारे में सोचा और आप मारे को ऐसे छोड़ के चले गए। आपको पता है मारे को यूं बरदान के पल्ले बांध दिया। आप जानते हो ना कि उसके संग मारे को एक पल भी अच्छा ना लगे। और यूं कर इस घर में मारा तब घुटता है। प्रज्ञा जी,
सवेरे से काम कर रहे हो, थक गए होगे ना, अंदर चल के आराम कर लो। मारे आराम की इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत ना सर, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। ये मालती देख, बहुत बढ़िया है भाभी, रंग भी बहुत अच्छा है, देखो। अरे वाह भाभी, ये तो इस पे जच रहा से। इस दुपट्टे के साथ तो ये बहुत सोना लगेगा। देखा छोटो, एक एक चीज बड़ी ही बारीकी से, सबसे महंगी और सुंदर से सुंदर खरीदी है तेरे लिए। और ये सारी चीजें हैं ना तेरी भाभी कमला की पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। भैया भाभी खुशी खुशी पूरे मन से लगे से छोटो के ब्याह के लिए। बस अभी इसी तरह शांति से छोटो का ब्याह निपट जावे। मैं पानी पियाऊं, बहुत प्यास लग रही है। भैया भाभी मैं यही ला देती हूँ पानी। ना मैं ही पियाऊंगी। क्या हो गया माँ जी? यो देखो हमारी छोटो बुआ की रासलीला। अरे भले हो जा सत्यानाश, एक बिलहन में सारे ठाट। और यो लीला भी किसके संग रच रही से छोटो बुआ? किसकी? अपने मुनीम जी के संग। तने उस मुनीम का थोबड़ा भी देखा ना? ना माँ जी, सकल ना देखी। वो क्या है ना, जैसे ही मैं फोटो खींचने गई तो यो मुंह की बड़ो अटपकी। लड़ा गरक जाए इसका, जित भी जावे है वही टिल्ला कर दे है यो। मेरा ऐसा जी करे इसका। चल ठीक से और बता। आप यू सब छोड़ो, अगली बार जब यू दोनों बाहों में पाए डाल के गले मिलेंगे ना तो मैं झट से फोटो खींच लूंगी, आप चिंता ना करो। बाहों का नहीं, उसके मुंह का फोटो खींचना। हाँ माँ जी, बाहों का फोटो कौन खींचे, मैं तो सकल की बात कर रही हूँ। आप भी चल ठीक से, तू जा अदरक की चाय बना दे। माँ जी चाय? मैं? कौन बनाओगा? तेरी माँ। चल भाभी, सारा ही सामान बहुत अच्छा है, अपनी छोटो बहुत सुंदर लगेगी इनमें। हम छट छट के लाई हूँ। अरे वाह भाभी, घनी खुशी मिल रही है ये सब देख के। मन ने अपने तो एक से बढ़कर एक चीज खरीद ली हमारे ब्याह के लिए। भाभी ऐसी शॉपिंग तो मैं कर भी नहीं सकती, आपने दिल खुश कर दिया भाभी मारा तो। तेरे लिए ना करूंगी और किसके लिए करूंगी, तू इस घर की छोरी से है। और फिर कोई बरस बाद आई है, इतना करना तुम्हारा हक बना ही है। तने मुनीम के साथ चोंच मिला के मेरा दिल खुश कर दिया छोटो। इब तू देख मैं तने किसा सबक सिखाती हूँ छोटो। बुआ, वो मन्ने एक फैसला लिया सा। के फैसला लिया है बता दे। मन्ने यो फैसला लिया सा कि आपकी शादी की जिम्मेदारी ना मैं और बड़ो मिलके निभाएंगे। सच? इब यो सारी जिम्मेदारी ना आप हम पे छोड़ दो। के? जी, आप सच में मेरे संग मिलकर बुआ के ब्याह की तैयारी करोगे? हाँ, अगर बुआ की ख्वाहिश है कि उनके ब्याह की जिम्मेदारी मैं और तू मिलकर करें तो उनकी ख्वाहिश
सी आंखों पर। बावड़ी हो गई है ना वो, मैंने लगा मैं सपना देख रही हूँ। मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सच में मेरे संग बुआ के ब्याह की जिम्मेदारी उठाओगे। मुझे यू समझ में ना आ रहा, सवेरे तो लाख बड़ों के साथ जिम्मेदारी निभाने का मना कर रहा था, अरे भी यो बड़ों के साथ मिल के ब्याह सगाई की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गया। मन बेरा है, इसके पीछे छोटो का दिमाग चल रहा है जी भाई, यो खेल खेल रहे हैं। अरे वाह भगवान, आपके चमत्कार को नमस्कार से। लकी को उसके कर्तव्य की राह दिखा के उसकी हमराही बड़ों से मिला दिया आपने। धन्यवाद भगवान धन्यवाद। अब इन दोनों को करीब लाने का काम तो मैं कर ही दूंगी। छोटो, पता नहीं क्यों मारे को लग रहा है कि लाखा के हाँ के पीछे जरूर हरा हाथ से